यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर हिसार से है। किसान संघर्ष समिति के धरने का आज सातवां दिन है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघर्ष समिति विधानसभा का भी घेराव करेगी। सातवां दिन लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन करते हुए हो गया है। आपको बता दें कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने समेत कई मांगे किसानों की ओर से की जा रही है। लघु सचिवालय पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। तो आपको बता दें कि किसान नेता के नेतृत्व में पीएम मोदी का पुतला भी फूंका जाएगा, इस तरह की बात उनकी ओर से कही गई है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, किसान नेता के नेतृत्व में पीएम मोदी का पुतला भी फूंका जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रवीण कुमार हमारे संवाददाता हिसार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है खबर को लेकर? जी, इस मामले को लेकर बताना चाहूंगा कि आज किसान धरने पर बैठे हैं और किसानों ने आज यही निर्णय लिया था कि आज सभी किसान एकत्रित होकर चंडीगढ़ में जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे। उनकी मांगे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए और जो अन्य मांगे हैं जो किसानों की उन्होंने ज्ञापन पत्र दे रखे हैं वो पूरी की जाए, अन्यथा हमारा धरना लघु सचिवालय में लगातार जारी रहेगा। जी जी बिल्कुल प्रवीण। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए इनकी रणनीति की, तो आगे क्या कुछ रणनीति इनकी ओर से अपनाई जाएगी? जी, रणनीति के लेकर इन्होंने आज यही निर्णय लिया था कि आज सभी किसान पूरे प्रदेश भर से एकत्रित होकर चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में जाएंगे और वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करके घेराव करेंगे। इसके बावजूद भी नहीं किया तो इसके बावजूद अपनी एक मीटिंग करके देशव्यापी आंदोलन की तैयारी के लेकर कार्य करेंगे। जी, तो हरियाणा विधानसभा में आज बजट भी पेश होने जा रहा है, तो किसानों को क्या उम्मीदें हैं कि क्या कुछ उनके लिए खास आ सकता है? जी, इससे पहले जो भी किसान जितने भी अभी संघर्ष कर रहे हैं उनका कहना है कि पीछे जो सेंटर में भी जो बजट पेश हुआ था उसमें भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, हमारी जो मांगी थी वो नहीं की गई, तो उनको उम्मीदें नहीं लग रही है सरकार से। वैसे मांग तो है, जो किसानों की जो मांगे हैं सभी पूरी की जानी चाहिए, पर किसान अभी निराश है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण कुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि सातवां दिन किसान संघर्ष समिति को हो गया है और सातवें दिन भी उनकी ओर से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज बजट भी आ रहा है, तो बजट को लेकर भी किसानों को उम्मीद है कि उस बजट में उनके लिए काफी कुछ खास देखने को मिलेगा।